सिंधिया परिवार की राजमाता माधवी राजे सिंधिया का अंतिम संस्कार आज शाम 5 बजे होगा। राजमाता के अंतिम संस्कार के दौरान उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए 3 राज्यों के सीएम और कई राज परिवार शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी श्रद्धांजलि देने के लिए ग्वालियर पहुंचेंगे। नेपाल, कश्मीर, बड़ौदा और धौलपुर राज परिवार के सदस्य भी राजमाता के अंतिम संस्कार में मौजूद रहेंगे। राजमाता के बेटे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया उन्हें मुखाग्नि देंगे। छतरी पर होने वाले अंतिम संस्कार में 20,000 लोग शामिल होंगे। राजमाता के अंतिम संस्कार के लिए एयरपोर्ट से महल और सिंधिया छतरी तक भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। तो अब नहीं रही राजमाता, लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया और इससे पहले ही जैसे ही इसकी जानकारी मिली फौरन जो है ग्वालियर से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। राजे सिंधिया का आज कटोराताल स्थित सिंधिया छतरी पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। यहाँ छतरी के पास ही देखिए ये चबूतरा बनाया गया है जहाँ राजमाता माधवी राजे सिंधिया का अंतिम संस्कार किया जाएगा। यहाँ उन्हें मुखाग्नि दी जाएगी। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके बेटे मुखाग्नि देंगे। इसके साथ ही यहाँ चूँकि राजमाता पूरे ग्वालियर चंबल अंचल के साथ ही मध्य प्रदेश में आदरणीय रही है, यही वजह है कि करीब 20,000 से ज़्यादा लोगों के यहाँ आने की संभावना है और तमाम व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही अगर देखें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे। इनके साथ ही नेपाल, कश्मीर, धौलपुर और बड़ौदा के जो राज परिवार के सदस्य हैं वो लोग भी यहाँ आएंगे। तो इन वीआईपीओं के लिए तमाम यहाँ व्यवस्था बैठने के लिए की गई है और यहाँ पर लगभग 150 से ज़्यादा वीआईपी मौजूद रहेंगे और यही वजह है कि लगभग आज 30,000 से 40,000 लोगों की तादाद इस अंतिम संस्कार के दौरान ग्वालियर में मौजूद रहेगी। यही वजह है कि यहाँ सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह से चाक चौबंद है। आप देख सकते हैं पूरी टीम यहाँ लगी हुई है, एयरपोर्ट से लेकर महल के अलावा कटोराताल स्थित सिंधिया छतरी तक पूरी सुरक्षा व्यवस्था है ताकि इस कार्य को पूरी तरह से सुचारू किया जा सके। किरण मैम, किस तरह की यहाँ सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, क्या ट्रैफिक की व्यवस्था रहेगी, किस तरह का इंतज़ाम है यहाँ? यहाँ पर सुरक्षा आदेश पूरी चाक चौबंद है, पूरा बैरिकेटिंग की गई है। आम पब्लिक के लिए और वीआईपी के लिए अलग अलग सेक्शन बनाए गए हैं जहाँ बैठेंगे। पार्किंग की भी अलग व्यवस्था है और सभी जगह रूट व्यवस्था लगी हुई है ताकि कहीं भी गई ट्रैफिक जाम ना हो और जो अपना ट्रैफिक है वो सुचारू रूप से चल सके। तो अंतिम संस्कार को लेकर सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है, ट्रैफिक से लेकर यहाँ बैठक व्यवस्था सभी पूरी तरह से पुख्ता की जा चुकी है। अब आज शाम को 5 बजे के लगभग सिंधिया छतरी पर राजमाता माधवी राजे सिंधिया का अंतिम संस्कार किया जाएगा और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए, पुष्पांजलि देने के लिए हजारों की तादाद में लोग उमड़ेंगे। सुशील कौशिक, News18 ग्वालियर। संवाददाता साथ जुड़ गए शैलेंद्र भदौरिया। शैलेंद्र, आज राजमाता का अंतिम संस्कार होगा, हालांकि 5 बजे अंतिम संस्कार होगा, उससे पहले आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और क्या दिग्गज नेता आकर यहां पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे? शैलेंद्र बोल रहा हूं, फोन कट गया था ग्वालियर से। शैलेंद्र, आवाज आप तक आ रही है? शैलेंद्र तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको तस्वीर भी दिखा रहे थे जहां पर अंतिम संस्कार होना है राजमाता का। शैलेंद्र भदौरिया संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और शाम 5 बजे क्योंकि अंतिम संस्कार होना है, उसके पहले कौन सी चीजें वहां पर चल रही हैं? देखिए, बिल्कुल, मैं अभी जयविलास पैलेस के बाहर मौजूद हूँ और उन तमाम जो लोग हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया और राजमाता विजय राजे माधवी राजे का पार्थिव शरीर जो है वो अब ग्वालियर एयरपोर्ट आ चुका है और अब से कुछ देर बाद वो यहाँ पर महल में पहुंचेगा। आप देख सकते हैं तमाम जो सुरक्षा व्यवस्थाएं यहाँ पर कड़ी की गई हैं और जो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं अभी चिन्हित लोगों को ही अंदर आने दिया जा रहा है, बाकी लोगों को अभी बाहर ही रोका गया। बताया जा रहा है कि जब उनका पार्थिव शरीर अंदर आ जाएगा उसके बाद अंतिम दर्शन के लिए लोगों को अंदर आने दिया जाएगा। हालांकि मीडिया को भी अभी अलाउ नहीं किया, बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। आप लोग पहुंचे हैं, कितनी दुख की घड़ी सिंधिया परिवार के लिए आज? ये महाराज के परिवार में बहुत बड़ा दुख हुआ है,
इसके लिए मराठा छत्रिय सभा मराठा बोर्ड गहरी संवेदना व्यक्त करता है और इस दुख भरी घड़ी में मराठा समाज महाराज के साथ आप लोग भी यहाँ पहुँचे सब मराठा समाज से हैं जी। मराठा बोर्डिंग के आप अध्यक्ष हैं, आपसे पूछिए। बिल्कुल, किस तरीके से आप लोग श्रद्धांजलि यहाँ देने पहुँचे, क्योंकि बड़ा आघात जो है सिंधिया परिवार को। नहीं, बहुत बड़ा आघात है हमारे समाज के लिए भी। मैं मराठा समाज का अध्यक्ष हूँ। बड़ा दुखद जब समाचार मिला तो हमें बड़ा वो ही, पूरा समाज इस समय दुख की लहर में है और पूरा शहर दुख की लहर में है। तो आप जिस तरह तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो अंदर जो रानी महल का परिसर है उसमें शामियाना लगाया गया, टेंट लगाया गया नहीं, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा, और यहाँ जो वीआईपी लोग आएंगे उनके बैठने की व्यवस्थाएं यहाँ की गई। अब से कुछ देर बाद उनके पार्थिव शरीर को एयरपोर्ट से रानी महल जयविलास पैलेस का जो हिस्सा है वहां पर लाया जाएगा, और सभी प्रमुख जो लोग यहाँ पहुंचने वाले हैं, चाहे वह धौलपुर राजघराने के हो, कश्मीर के हो, बड़ौदा के, जो अन्य जो राजघराने के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। इसके अलावा तीन राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ तमाम जो नेता हैं मध्य प्रदेश के हों या दूसरे राज्यों के, वो यहां पर पहुंचेंगे और उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके सब जो पार्थिव देह उसको यहां पर रखा जाएगा, और लगभग 3:30 से 4 बजे के बीच उनकी सब यात्रा यहां से शुरू होगी। और जो पैतृक छतरी है जहां पर जो सिंधिया परिवार के लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है वहां पर उनका अंतिम संस्कार। शैलेंद्र, क्या कोई नेपाल से भी कोई बड़ा मेहमान, कोई अतिथि यहां पर पहुंचेगा क्या? बिल्कुल निश्चित तौर पर, देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगभग 3 बजे के आसपास यहां पहुंचेंगे। इसके साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आने की भी सूचना है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी यहां पहुंचेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश बीजेपी से जुड़े तमाम जो बड़े नेता हैं उनके पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री अदल सिंह कंसाना हो या फिर अगर जो दूसरे अगर नेताओं की बात करूं तो प्रभुराम चौधरी, इमरती देवी, इसके अलावा तमाम जो नेता हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जो है वो महल में शुरू हो गया। अब इंतजार है कुछ देर का और कि अब कुछ देर बाद उनके पार्थिव शरीर को यहाँ लाया जाएगा और उसके बाद उनके अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, और तमाम जो लोग हैं जो यहाँ बड़ी संख्या में पहुंचे हैं उनको अंदर प्रवेश दिया जाएगा। हालांकि अभी कुछ लोगों को प्रवेश दिया गया है, सभी लोगों को भी एंट्री नहीं दी क्योंकि उनका पार्थिव शरीर अब तक यहाँ नहीं पहुंचा, और जैसे ही जब वो यहाँ पहुंचेगा उसके बाद यहाँ पर उनको अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचेंगे। और भी कुछ लोग, किस तरह आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, कितना बड़ा दुख है सिंधिया परिवार के लिए? यह बहुत बड़ा दुख है। हमारे राजा रहे और उनकी धर्मपत्नी होने के नाते माधव राव सिंह जी माधवी राजा